हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की जो क्लास है वो पार्ट टूल के ऊपर है। तो ये इसमें दिखाई दे रहा है ना आपको पार्ट टूल, तो इस पर मैं आज आपको बहुत सुंदर पेंटिंग बनाना सिखा रही हूँ इसी पार्ट टूल से। तो देखिए, अब हमारी स्टार्ट हो चुकी है पार्ट टूल से पेंटिंग बनना, और मैं इसको आपको दिखा रही हूँ। देखिए किस तरीके से बना रहे हैं हम लोग। देखिए, पास से हम जो चीज़ बनाते हैं ना वो बिल्कुल इलस्ट्रेटर में जैसे स्मूथनेस आती है ना, बिल्कुल फाइन, उसी ही तरीके का इसमें भी आता है। तो आप देखिए, समझिए और इन्जॉय कीजिए मेरी पेंटिंग को, और देखिए कितनी खूबसूरत बनती है। खाली देखिए, पास से ही मैं इसको बना रही हूँ। आपने पार्ट टूल्स की मेरी पहली क्लास देखी होगी, उसमें मैंने डिटेल में पार्ट के बारे में समझाया था, लेकिन मैं इसमें सिर्फ अब आपको सिखा रही हूँ कि कैसे हम बना रहे हैं। क्योंकि समझना किसी भी टूल्स को एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है, कैसे हमें उसे अपने काम में लगाना है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू होता है। तो वो मैं इसमें आपको सिखा रही हूँ, और आप देखिए कि किस तरीके से ये बन रही है। और पूरी ही देखिएगा, अगर आपने बीच में कुछ छोड़ दी तो आप को समझ नहीं आएगा कि कैसे बनी है ये पूरी पेंटिंग। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनेगी लास्ट में। आप इसको देखते रहिए, और जैसे जैसे ये इसमें चल रहा है वैसे वैसे आप करते रहिए। अभी तो मैं ड्राइंग कर रही हूँ इसको। पहले मैंने पेंसिल का आपको पूरी क्लासें दी हैं, मैंने कम से कम 7-8 क्लासें पेंसिल टूल की से मैंने आपको वर्क करना सिखाया है। तो जिन्होंने देखी होगी वो बिल्कुल सीख गए होंगे। और अब मैं आपको पार्ट टूल से बनाना सिखा रही हूँ। इसकी भी मैं काफ़ी सारी क्लासेस दूंगी, तो आप एक 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 चीज़ों को देखते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मैं बोलूँ ही, आप मेरी इसको वैसे भी फॉलो करेंगे तो भी आप सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, आप इसको देखेंगे तो आप उससे आप बहुत जल्दी ही सीख जाएंगे। वो तो मैं बोल रही हूँ तो आपको आ रही होगी समझ, लेकिन आप जो देखने से जो सीखता है ना बंदा, किसी के बोलने से नहीं सीख पाता। तो देखिए आप मैं किस तरीके से बना रही हूँ, इसको पॉज कर करके देखिए, समझिए और देखिए कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है। एक ये बहुत ही यूनिक सी मॉडर्न आर्ट, मतलब मॉडर्न भी कह सकते हैं हम इसे, फिगरेटिव भी बोल सकते हैं क्योंकि फिगरेटिव भी है ये। और इसमें मैं जो कलरिंग करूँगी वो भी बहुत गजब की करूँगी। तो अभी तो ये स्केच तैयार हो रहा है। ये आज की लाइफ के ऊपर है कि हर लेडी क्या करती है, मोबाइल हाथ में होता है उसके, वो काम करती रहती है, अपने चाय पी रही है कभी कुछ। तो मैंने वही सोच के इसको बनाया है। तो देखिए, मेरी काफ़ी कुछ तैयार हो चुकी है। आज की नारी है ये, हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में मोबाइल से देख रही है, अंगूठे से चला रही है, एक में वो चाय पी रही है। तो देखिए किस तरीके से बन रही है ये पेंटिंग। देखिए आपको कितना समझ आ रहा है, और आप एक बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ये मैंने फोटोशॉप में बना रही हूँ। वैसे तो हम इसको पेंसिल से हाथ से भी बना सकते हैं, अपने पेपर पे ही बना सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया है। और जिसने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं बहुत अच्छी अच्छी पार्ट टूल को मैं इतने तरीके से आपको बताऊँगी कि आपको रट जाएगा। कोई भी आप कहीं भी फेल नहीं हो पाएंगे, कहीं भी आप को कुछ भी बनाना होगा फटाफट। अब देखिए, जहाँ पर भी कट रह जाता है ना, जो दो रेखाएं आपस में नहीं मिल रही होती, तो वहाँ जब हम कलर करते हैं ना तो पूरा का पूरा फील होता है जैसे ये हो रहा है। तो इसलिए हमें सारे जॉइंट्स पहले बंद करने चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इस जहाँ भी जो जैसे जॉइंट्स खुला है तो वो वहाँ पर आपको कलर पूरे में फैल जाएगा। तो सबसे पहले काम होता है जॉइंट्स को बंद करने का। उसके बाद हम इसमें बकेट टूल यूज़ करके हम कलरिंग कर देते हैं। देखिए इसमें हो रही है, और मैंने देखो कितना प्यारा सा इसको टॉप पहनाया है। अब इस कलरिंग देखिएगा कितनी गजब की कलरिंग है। ये आप सीखिएगा कि किस तरीके से कौन सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, किसके साथ क्या अच्छा लगता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी पेंटिंग के लिए, या किसी आर्ट वर्क के लिए, या किसी टेक्सटाइल के पैटर्न के लिए। मतलब कलर तो मस्ट है, उसके बिना तो कुछ भी वो नहीं होती है, आर्ट हमारी अच्छी नहीं लगेगी। आप कितना भी सुंदर सा स्केच बना दो, कलरिंग बिल्कुल बकवास हो तो वो बिल्कुल ही
डैमेज हो जाएगी वो चीज़ बिल्कुल। तो कलर बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप मेरे इसमें देखिए कि मैं किस तरीके से कलर्स कर रही हूँ, डाल रही हूँ, कैसी मैचिंग कर रही हूँ, कैसे उसकी शेडिंग कर रही हूँ। लास्ट तक देखते रहिए, तभी आपको समझ आएगा। और अपने मतलब कि मुझे कमेंट्स भी कीजिए, जिससे मुझे भी समझ आए कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं, मुझसे कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा सा फील होगा। और मैं आपको सिखा, देखिए मैंने वहाँ पर कट हो गया था ना, दो धा दोनों उसमें गैपिंग थी, तो इसलिए उसमें कलरिंग आ गई है, पूरा ही पूरा कवर हो गया है येलो कलर। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इन सब पे कलर चेंज करूँगी। तो फिर ये देखिए अब वाइट हो गया ना, अब अलग हो गया है। तो ये वाली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि इसमें होती है। तो हमें बहुत, जब भी हम कुछ भी बनाएं, कुछ भी हम ड्रॉ करें, उसकी लाइन से लाइन एकदम से मिली होनी चाहिए, जब भी उसमें कलरिंग बहुत अच्छे से हो सकती है। तो देखिए अब मैंने इसमें कलर कॉम्बिनेशन, देखिए मैंने क्या क्या लिया, येलो के साथ स्काई ब्लू, लाइट पर्पल, ग्रीन, पैरेट ग्रीन, और पैरेट ग्रीन को ऑलिव ग्रीन भी बोल सकते हैं। मैंने बाल इसके जो हेयर बनाए हैं वो थोड़े गोल्डन से बनाए हैं। मैंने कप भी उसी में ही बना दिया है। देखिए कॉफ़ी इसकी गर्म है ना, तो मैंने इसको, हमने क्रिएटिविटी दिखाते हुए इसको ऐसे ही मैंने लाइनों से बना दिया है। अब देखिए इसके कप में भी है ना कलर भरे हुए हैं। देखो इसके मोबाइल की उसमें भी देखिए ना, निशान दिख रहा है ना आपको, खाली इसको जब फिल करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो ये सब कुछ एक आर्टिस्टिक बनाई है, कुछ भी रियलिस्टिक नहीं है। इसमें एक जैसे बुक्स के ऊपर होती है ना, कॉमिक टाइप की है, थोड़ी थोड़ी उसी जैसी है, जैसे कोई कहानी कह रहा हो। ये वैसे भी है भी कहानी है, लेडी है, मोबाइल देखती जा रही है, चाय पीती जा रही है, उसको ये भी नहीं याद है कि चाय मेरी ठंडी हो जाएगी क्या होगा, क्योंकि ध्यान उसका मोबाइल में है। ये आज की लाइफ है हमारी। तो आप देखिए और मैं किस तरीके से इसमें कलरिंग करती जा रही हूँ। एक ही चीज़ आप नोट करते रहिए, देखते रहिए, तो आपको समझ में आती रहेगी। और देखिए आप इसमें लगता है जैसे ऑफिस आ रही है ना, तैयार होके। अभी तो इसमें तो बहुत काम है, मैं इसलिए जितनी देर में ही बनी है ना, मैंने एक 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 इसकी लाइनें, एक 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 मोमेंट्स का मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रखा है, जिससे कि आपको हर चीज़ का पता लगता रहे कि देखिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कैसे मैं लेयर्स में जाके कर रही हूँ, कौन सी लेयर सेलेक्ट हो रही है। आप हर चीज़ पर ध्यान दीजिए कि मैंने कौन सी लेयर्स में मैं कौन सा कलर डाल रही हूँ, कहाँ पर डाल रही हूँ। मैं आपको एक तरह की पूरी क्लास ही दे रही हूँ, सिखा रही हूँ कि कैसे हम एक पेंटिंग कैसे हम एक डेवलप कर सकते हैं कार्ड पर। तो ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, और कोई भी पार्ट इसका अगर आप मिस कर देंगे तो नेक्स्ट पार्ट आप गड़बड़ कर जाएंगे कि पहले वाला हमने कैसे किया। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी अच्छी लेकर आऊँगी। और जो मैंने पुरानी जो बनाई है आप उन्हें भी देखिएगा, तो उनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। और जो मैंने मुझे एक्सपीरियंस है, जो भी मुझे अभी तक आता है, वो मैं आप लोग को सोच रही हूँ कि सिखाऊँ करूँ। जो मैंने जो सीखा है वो मैं आप लोगों को भी सिखाऊँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। मैंने भी किसी से सीखा ही है, तो इसलिए किसी को सिखाना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप लोग सीखिए, औरों को भी सिखाइए, मेरी वीडियो को देखिए आप, और आप भी ऐसी वीडियो बनाइए कि कैसे हम कैसे कर सकते हैं, दूसरों को हम कैसे सिखा सकते हैं। देखिए कितनी शेडिंग, देखिए मैं कैसे दे रही हूँ। अब आपका देखिए फेस कितना प्यारा लग रहा है, इसे देखिए आप, वो विंडो वाइट जो थी वो विंडो के लुक देने लगी है ना, कि विंडो वाला लुक दे रही है ये। मैंने इसमें फूल बनाए हैं, पोल्का डॉट्स बनाई है, जो कप बनाया है उस पर भी मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, और
अब देखिए मैं शेडिंग वगैरह दे रही हूँ, मैं इसमें लाइनें दे रही हूँ। आप देखिए कि जो हमारा रह जाता है ना पोर्शन, हमें खूबसूरती कैसे बनानी है। जैसे हमने कपड़े तो सिलवा लिए हैं लेकिन मेकअप नहीं किया है, ज्वेलरी नहीं पहनी है, तो वो इतनी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए कपड़े और वो सब बहुत ज़रूरी होते हैं, ज्वेलरी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम इसका मेकअप कर रहे हैं अब। तो देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, एक एक चीज़ों में शेडिंग देती जा रही हूँ। मैंने इसको आपको देखिए पूरी की पूरी कितनी देर में किस तरीके से बनी है, मैंने एक ही उसमें बनाई है। आपको कुछ बड़ा करके या छोटा करके आपको कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप पूरी पेंटिंग को बहुत अच्छे से देखिए, समझिए और फिर बनाना शुरू कीजिए। एक बार तो वैसे ही फॉलो कीजिए, फिर दोबारा से देखिए और बनाना शुरू कीजिए। आप लोगों को बहुत अच्छी बना पाएंगे आप, जिन्हें नहीं भी आता वो भी बना पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत बना पाएंगे आप लोग। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। जो पहली बार देख रहा है तो मेरी और भी वीडियो देखिए, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे कमेंट्स भी कीजिए जिससे मुझे समझ आए कि वह मैंने आपको कैसे सिखाया, या अगर ढंग का नहीं भी आपको लगता है तो भी मुझे कीजिए, तो मैं कुछ और बताऊंगी। आप बताइए कि मुझे क्या क्या मैं आपको सिखा सकती हूँ। लेकिन ये मैंने एकदम से बहुत ही प्यारा सा फाइन आर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत आर्टवर्क है, जिसे आप अपने घर में फ्रेम करके भी लगा सकते हैं। देखिए और भी बहुत सारी डिटेलिंग तो उसमें बहुत कुछ दी जा सकती है, नहीं फिलहाल मैं आपको इतना ही सिखा रही हूँ। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। थैंक यू, थैंक यू।